और बड़ी खबर यूपी से आ रही है। खबर है कि यूपी में जेडीयू अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन की बात अब नहीं बनी है। 18 जनवरी को लखनऊ में जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष अनूप पटेल ने ये बैठक बुलाई है। यूपी के जेडीयू प्रभारी केसी त्यागी भी बैठक में शामिल होंगे और इस दिन उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। राज्य में अकेले चुनाव लड़ने पर बनेगी अगली रणनीति और उसके बाद आलाकमान को ये लिस्ट भेजी जाएगी। जेडीयू की केंद्रीय चुनाव समिति नाम पर अंतिम मुहर लगाएगी। और चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, बिहार में हम साथ साथ वाला किस्सा और यूपी में अलग अलग आखिर क्यों? बिल्कुल, देखिए जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ लड़ना चाहती थी उत्तर प्रदेश में चुनाव और सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया है। हालांकि इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने साफ तौर पर यह कहा था कि बीजेपी के बीच हमारी बात चल रही है और जल्दी यह फैसला हो जाएगा कि कितनी सीटों में पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह बात नहीं बन पाई। और उसके बाद यह कल साफ तौर पर कहा गया कि अब जेडीयू अपने बदौलत उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में भले ही जेडीयू और बीजेपी एक साथ गठबंधन में सत्ता में शामिल है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकेंगे। जी, एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकेंगे, लेकिन इसका क्या असर बीजेपी पर होगा? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पर साथ साथ हैं और उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ेंगे तो एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे। ऐसे में जो गठबंधन के रिश्ते हैं उसमें जरूर दरार आ सकता है। और अगर पिछले एक सप्ताह की बात करें तो ये लगातार जेडीयू और बीजेपी के बीच में बिहार में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाई जा रही है और माना जा रहा है कि जो ये रिश्ते हैं जो पहले से काफी अच्छे थे वो अब धीरे धीरे खराब होने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका असर तो पड़ेगा ही रिश्तों पर, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी काफी पुरानी गठबंधन है। भले ही कुछ दिनों के लिए दोनों अलग हो गए थे, लेकिन जब दोबारा साथ आए तो काफी गर्माहट देखने को मिल रही थी रिश्ते में। लेकिन अब जब जेडीयू और बीजेपी जो दोनों एक साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती थी अब नहीं लड़ रही है, तो ऐसे में रिश्ते में अब खटास भी आने की संभावना जताई जा रही है। जी चंद्रमोहन, रिश्तों में खटास आती हुई नजर आ रही है और 18 जनवरी को जेडीयू की एक बैठक भी है जिसमें जेडीयू ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा।